महाराष्ट्र में आज जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उसकी काफी प्रतिक्रिया है, क्योंकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य, इसलिए वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक जो भी परिवर्तन होता है उसका असर मध्य प्रदेश में भी प्राय प्राय देखने को मिलता है। आज सुबह जब लोग अखबार पढ़ रहे थे और वो महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की गवर्नमेंट के फॉर्म होने की खबरें पढ़ रहे थे, उसी समय अचानक ब्रेकिंग न्यूज के साथ जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनने की जब खबरें चलने लगी तो लोगों को सहसा विश्वास नहीं हुआ और उसको समझने के कुछ समय बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलना शुरू हुई है। इस घटनाक्रम पे कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा जो रिएक्शन आया है वो दिग्विजय सिंह का आया है। दिग्विजय सिंह ने वहाँ की कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी से आग्रह किया है कि वे सड़क पर उतरे और अपनी ताकत दिखाए, जनता को तय करने दे कि जनता किसके साथ है। उन्होंने राज्यपाल के फैसले पर भी दिग्विजय सिंह ने आपत्ति उठाई है। उन्होंने पूछा है कि क्यों ऐसी क्या संवैधानिक बाध्यताएं थी जिनके चलते राज्यपाल को ये फैसला लेना पड़ा। वहीं कांग्रेस के राज्य सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने इसे एक सत्ता के खातिर एक विद्रूपता वाला गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन की सरकार से एक बार फिर साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी ने में इस फैसले का व्यापक तौर पर काफ़ी इसका इस्तकबाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर से जो ताल्लुक रखते हैं कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश जी का कहना है कि ये अमित शाह की जीत है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया कि राजनीति में असली चाणक्य अमित शाह ही है। उन्होंने इसके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना ने भाजपा को धोखा देकर और कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने की पहल की उसका ही ये जवाब है और इसमें कुछ भी गलत नहीं। वहीं शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने भी सरकार की बधाई दी और देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को इसकी शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश से जुड़े दूसरे नेता जैसे नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा आदि ने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।